वेलकम बैक गाइस, स्वागत है आपका टेक्नो अपलिफ्ट में। और आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि ब्लू स्टैक 5, 10 या कोई भी ओल्डर वर्जन को आप अपने विंडोज 10 और 11 में कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। और इस वीडियो में हम ये भी बात करेंगे कि अगर आप कोई लो एंड पीसी यूज़ कर रहे हो या हाई एंड पीसी यूज़ कर रहे हो तो उसके लिए आपके ब्लू स्टैक की बेस्ट सेटिंग क्या होनी चाहिए। अब यहाँ पे सेटिंग के मामले में मैं स्पेशली फोकस करूँगा ब्लू स्टैक 10 के बारे में, बाकी अकॉर्डिंगली मैं आपको समझाता रहूँगा विद इन द वीडियो कि कैसे कैसे आपको यहाँ पे कौन सी सेटिंग को अप्लाई करना चाहिए। तो मेक श्योर वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें मैं यहाँ पे इंक्लूड कर रहा हूँ, कोई भी पार्ट यहाँ पे स्किप नहीं होगा। कोशिश करूँगा वीडियो को जल्दी ख़त्म करने का, बस आप वीडियो को स्किप मत करिएगा। चलिए फटाफट देखते हैं पहले इसको कैसे आपको डाउनलोड और इंस्टॉल कराना है, उसके बाद बेस्ट सेटिंग क्या करनी है आपके विंडोज़ 10 और 11 में। तो अभी दोस्तों हम आ गए अपने विंडोज़ 11 के डेस्कटॉप पे। अगर आप विंडोज़ 10 पे भी हो तो सेम स्टेप्स आपको वहाँ भी अप्लाई करने हैं। अब उसके बाद अपना कोई भी आप फेवरेट ब्राउज़र ओपन कर लीजिए, और ओपन होने के बाद आपको इस वेबसाइट पे आना है bluestacks.com। इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब यहाँ पे आने के बाद अगर आप देखें तो यहाँ पे आपको लेटेस्ट वर्जन मिल रहा है डाउनलोड ब्लूस्टैक 10। अगर आपको ब्लूस्टैक 5 करना है तो 5 भी कर सकते हैं, और अगर कोई ओल्डर वर्जन चाहिए या मैक वगैरह के लिए चाहिए तो आप सी ऑल वर्जन पे क्लिक करके वहाँ से उसको भी डाउनलोड कर सकते हैं। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे ब्लूस्टैक 10 के बारे में। तो यहाँ पे ब्लूस्टैक 10 पे हम क्लिक करेंगे, डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगी। जैसे ही डाउनलोड हो जाता है तो आपको इस डाउनलोडेड फाइल पे क्लिक करना है, और यहाँ पे ये चेक करेगा सिस्टम वगैरह को, और उसके बाद एक पॉपअप आएगा, यहाँ पे आपको इंस्टॉल नाउ पे क्लिक कर देना है, और ये डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगी। अभी 159 MB दिखा रहा है, दोबारा से डाउनलोड होगा, फिर अराउंड 575 MB का साइज़ होगा। तो अप्रॉक्स 800 से 900 MB के आसपास ये साइज़ लेगा डाउनलोड और इंस्टॉल होने में। तो मेक श्योर कि आपके पास प्रॉपर वाईफाई कनेक्शन है, आप लिमिटेड डेटा प्लान में नहीं है, अदरवाइज आपका डेटा बहुत जल्दी कंज्यूम होगा, राइट? तो आप इसको आप मेक श्योर कर लो और यहाँ पे वेट करो जब तक कि पूरा डाउनलोड और इंस्टॉल ना हो जाए। और अब ये चेक करेगा सिस्टम फाइल वगैरह को, फिर एक्सट्रैक्ट करेगा, और ऑलमोस्ट ये आप कंप्लीट पे हैं। और यहाँ पे अगर आप देखें, आपको एक चीज़ और भी बोल रहा है कि पाउज योर पीसी एंटी वायरस इफ़ इट इज़ इंटरफेयरिंग विद इंस्टॉलेशन। तो अगर मान लीजिए इंस्टॉलेशन में कोई आपको प्रॉब्लम आती है तो आप उसी टाइम अपने एंटी वायरस को एक बार डिसेबल कर लीजिएगा। कोई थर्ड पार्टी है तो राइट साइड में आप ड्रॉप डाउन से यहाँ पे उसको एग्जिट कर सकते हैं। और अगर मान लीजिए कि आप वायरस एंड थ्रेड प्रोटेक्शन मतलब विंडोज सिक्योरिटी यूज़ कर रहे हैं तो आप विंडोज सर्च में वायरस एंड थ्रेड प्रोटेक्शन सर्च करके और उसको भी वहाँ पर डिसेबल कर सकते हैं, ठीक है? तो दोबारा आप ट्राई कर लेना, तो अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो। और अब यहाँ पे फाइनली यस पे आपको क्लिक करना है, और अब हमारा ब्लू स्टैक यहाँ पे लोड होना स्टार्ट हो गया है। और जैसे ही लोड होगा उसके बाद मैं आपसे शेयर करूँगा कि कैसे आपको यहाँ पे बेस्ट सेटिंग करनी है। तो अभी ये देखिए यहाँ पे एक्सप्लोर करने के लिए बोल रहा है सारी चीज़ें, तो यहाँ पे हम कुछ भी अभी और नहीं करेंगे। और होम पेज पे ही अगर हम आते हैं यहाँ पे तो देखिए इस तरह से हमारा ब्लू स्टैक 10 यहाँ पे आ गया है। अब हम यहाँ पे कुछ बेसिक सेटिंग करेंगे, पहले विंडोज़ की और उसके बाद यहाँ पे ब्लू स्टैक वाली सेटिंग करेंगे। तो अभी आप यहाँ पे ब्लू स्टैक ओपन रहने दीजिए, इसको मिनिमाइज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट आपको क्या करना है, डिसेबल करना है जितने भी आपके स्टार्टअप एप्लीकेशंस हैं, क्योंकि ये सारे एप्लीकेशन आपके बैकग्राउंड में रन करते हैं और कहीं ना कहीं से आपके परफॉर्मेंस को डाउन करते हैं, और इसी वजह से ब्लू स्टैक को परफॉर्मेंस नहीं मिल पाता। तो राइट क्लिक करिए अपने विंडोज़ आइकन पर, यहाँ पर आपको जाना है टास्क मैनेजर में, और यहाँ पे लेफ्ट हैंड मेन्यू में या टॉप में आपको स्टार्टअप ऐप मिलेगा, इस पर क्लिक करिए। और यहाँ पे जितनी भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस है लाइक आपकी battle.net, BlueStack, Discord, Skype, Epic Game Launcher, कोई भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन जो आप यूज़ करते हैं, इवन BlueStack को भी आप यहाँ पे राइट क्लिक करके डिसेबल कर दीजिए। तो मैंने ऑलमोस्ट कर रखा है यहाँ पर, तो मुझे अभी फ़िलहाल कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पर आप देख लो, सिर्फ आपको विंडोज़ की फ़ाइल, ऑडियो, वाईफाई, एंटी वायरस की फ़ाइल को डिसेबल नहीं करना है, रेस्ट जितने भी अदर थर्ड पार्टी एप्लीकेशन उनको आप यहाँ पे डिसेबल कर दीजिएगा। अब डिसेबल करने के बाद नेक्स्ट हम क्या करेंगे कि ब्लू स्टैक की प्रायोरिटी को बढ़ाएंगे ताकि इसको बेस्ट परफॉर्मेंस मिल सके। आप उसके लिए अपने लेफ्ट हैंड मेन्यू ऑप्शन में ही या टॉप मेन्यू ऑप्शन में डिटेल्स पर क्लिक करिए, और अगर आपने ब्लू स्टैक 10 किया है तो यहाँ पर ब्लू स्टैक 10.exe मिलेगा, और अगर ब्लू स्टैक 5 किया है तो आपको यहाँ पर HDPlayer.exe करके एक ऑप्शन आएगा, आप सर्च कर लेना, और जैसे ही मिलता है इस पर आप राइट क्लिक करिए, सेट प्रायोरिटी पे होवर अप करिए, और यहाँ पे इसको हाई या अबव नॉर्मल कर लेना है। अगर आपका ठीक ठाक पीसी है, हाई एंड पीसी है, तो आप हाई के साथ जा सकते हो,
और लो एंड पीसी है तो अब नॉर्मल पे आप इसको रख सकते हैं। चेंज प्रायरिटी पे क्लिक करके इसे यहाँ से अब आप क्लोज करिए। नेक्स्ट हमें जो है ब्लू स्टैक को हाई ग्राफिक परफॉर्मेंस में भी सेट करना है, तो उसके लिए आप अपने विंडोज सर्च पे यहाँ पे क्लिक करिए, ग्राफिक यहाँ पे टाइप करिए, ग्राफिक सेटिंग आएगा सजेशन में, इसको यहाँ पे क्लिक कर लीजिए। अब उसके बाद यहाँ पे आपको ब्राउज करना है ब्लू स्टैक पे। देखिए मैंने ऑलरेडी यहाँ पे कर रखा है, मैं आपको रिमूव करके दिखा देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, ब्लू स्टैक को यहाँ पे ऐड कराना है हाई परफॉर्मेंस पे। उसके लिए यहाँ पे आप ब्राउज पे क्लिक करिए और अब आपको ब्राउज करना है ब्लू स्टैक के लोकेशन पे। तो अगर आप मैनुअली सर्च ना कर पाए तो उसके लिए आप विंडोज सर्च पे क्लिक करिए, ब्लू स्टैक यहाँ पे टाइप करिए, ब्लू स्टैक आएगा, इस पर राइट क्लिक करके ओपन फाइल लोकेशन करिए, अगेन ब्लू स्टैक 10 पे या 5 पे राइट क्लिक करिए, ओपन फाइल लोकेशन करिए, और ये जो आपका मेन पाथ है इसे यहाँ से आप कॉपी कर लीजिए एड्रेस बॉक्स से, क्लोज करिए, वापस आ जाइए ग्राफिक वाले पे जहाँ पे ब्राउज करने के लिए बोला था। अब इसी पाथ को टॉप में आप पेस्ट करा के एंटर करा दीजिए और नीचे आने पे आपको यहाँ पे ब्लू स्टैक 10.exe मिल जाएगा, और अगर आप 5 यूज़ कर रहे हैं तो HD प्लेयर करके मिलेगा, उसको आप सेलेक्ट कर लेना और ऐड करा के देखिए। जैसे यहाँ पे आप ऐड कराओगे तो यहाँ पे ये शो करेगा। अब बस यहाँ पे आपको ऑप्शंस पे क्लिक करना है, इसको हाई परफॉर्मेंस पे सेट कर देना है, सेव पे क्लिक करिए, बस यहाँ से आपका काम ख़त्म। अब इसे क्लोज़ करिए और नेक्स्ट, अब एक चीज़ और भी आपको दिमाग में रखनी है कि आपका विंडोज़ और ग्राफिक ड्राइवर भी अप टू डेट होना चाहिए, क्योंकि बहुत टाइम मैंने पर्सनली भी नोटिस किया है कि आउटडेटेड ग्राफिक ड्राइवर या बहुत दिन से अगर आपने विंडोज़ को अपडेट नहीं किया है तो बहुत तरह की प्रॉब्लम आती है। तो बहुत सिंपल है, अपने विंडोज सर्च पे टाइप करिए अपडेट और चेक फॉर अपडेट पे क्लिक करिए और यहाँ पे चेक फॉर अपडेट पे दोबारा से क्लिक करिए। अगर किसी भी तरह का अपडेट अवेलेबल है तो आप उसे डाउनलोड और इंस्टॉल करा लीजिए, और जैसे ही अपडेट हो जाए नेक्स्ट राइट क्लिक करिए अपने विंडोज आइकन पे, डिवाइस मैनेजर में जाइए, यहाँ पे डिस्प्ले अडैप्टर आपको देखना है, डबल क्लिक करिए, जो भी आपका ग्राफिक ड्राइवर है वो यहाँ पे शो करेगा, उस पर राइट क्लिक करके अपडेट ड्राइवर करिए और सर्च ऑटोमेटिकली फॉर ड्राइवर कर दीजिए। तो अगर किसी भी तरह का यहाँ पे अपडेट अवेलेबल होगा तो ये अपडेट कर देगा, और नहीं तो विंडोज़ अपडेट भी आपका ये चेक कर लेगा। तो दोनों ही चीज़ें आप यहाँ पे कर सकते हैं। अब हमें फाइनली ब्लू स्टैक 10 की सेटिंग पे यहाँ पे काम करना है। तो देखिए अभी ब्लू स्टैक 10 में बहुत सारे लोगों के साथ प्रॉब्लम भी थी, तो उन्हें यहाँ पे सेटिंग में ग्राफिक डिस्प्ले वगैरह वाला ऑप्शन नहीं मिल रहा है जैसे उन्हें ब्लू स्टैक 5 में और ओल्डर वर्जन में देखने को मिलता था। तो अब उसके लिए आपको यहाँ पे क्या करना है, लेफ्ट हैंड कॉर्नर में आपको मिलेगा मल्टी इंस्टेंस मैनेजर, यहाँ पे आप क्लिक करो, फिर यहाँ पे आपको इंस्टेंस वाला ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पे इस पर क्लिक करिए, फ्रेश इंस्टेंस पे क्लिक करिए। अब यहाँ से आपको अपना वर्जन चूज़ करना है, तो मेरे एंड में 32-bit सपोर्टेड नहीं है, तो यहाँ पे ये कह रहा है, देखिए रेड में आ रहा है, तो मैं ड्रॉप डाउन से नॉगेट 64-bit यहाँ पे सिलेक्ट कर लूँगा और यहाँ पे नेक्स्ट करेंगे। अब देखिए गाइस यहाँ पे जो सेटिंग्स आ रही हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मेक श्योर आप इनको प्रॉपरली चेक करिएगा। सबसे पहला ऑप्शन आता है CPU कोर का। अब CPU कोर में आपको ड्रॉप डाउन पे क्लिक करने पे कई सारे ऑप्शन मिलेंगे, तो यहाँ पे आप कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करें, तो उसके लिए मैं आपको बता दूँ कि जो भी आपका फिजिकल CPU है जितना कोर वो सपोर्ट करता है उसका कम से कम आधा आपको यहाँ पर लेना है। तो अगर आपका 8 सपोर्ट करता है तो आप 4 के साथ जा सकते हैं, और अगर आपका 4 है तो आप 2 के साथ जा सकते हैं। अगर आपका लो एंड PC है तो 2 कोर के साथ जाइए, हाई एंड PC है तो 4 कोर के साथ जाइए। क्लियर। अब आता है मेमोरी एलोकेशन, यहाँ पे ड्रॉप डाउन पे आप सेलेक्ट करिए, और अगर आपकी जो रैम है वो 16 GB या ज़्यादा है तो आप हाई 8 GB के साथ जा सकते हैं, वरना इन्हांस्ड 4 GB चूज़ करिए लो एंड PC के लिए। और अगर आपका 4 GB ही है आपकी फिजिकल रैम तो आप यहाँ पे स्टैंडर्ड 2 GB के साथ जा सकते हैं। रेजोल्यूशन में आप उतना ही जो यहाँ पे डिफ़ॉल्ट दिखा रहा है 1600x900 इसको यहाँ पे सेट रहने दीजिए। उसके बाद ABI सेटिंग है, परफॉर्मेंस मोड में आप यहाँ पे चूज़ कर लीजिए हाई परफॉर्मेंस, और उसके बाद यहाँ पे डाउनलोड वाले ऑप्शन पे आप क्लिक करिए। अब ये डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा, जो कि आपका नॉगेट 64-bit, और अगर आप पाई 64-bit के साथ जाना चाहते हैं तो सेम सेटिंग आपको यहाँ पर अप्लाई करनी है। तो अभी इसको आप यहाँ पे डाउनलोड होने दीजिए, फिर मैं आपको बताता हूँ कि नेक्स्ट आपको यहाँ पे क्या सेटिंग करनी है। ठीक है गाइस, तो अभी यहाँ पे ये देखिए हमारा डाउनलोड और क्रिएट हो चुका है। तो अब हमारे पास दोनों ऑप्शन है, पाई 64-bit और नॉगेट 64-bit। तो मैं सेकंड वाले के साथ जाऊँगा, तो आपको यहाँ पे सेटिंग गियर आइकन पे क्लिक करना है।
जो कि है इंस्टेंट सेटिंग। और जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो देखिए इस तरह के यहाँ पे ऑप्शन आ जाएंगे। अब यहाँ पे वही आपको ऑप्शन मिलेगा सीपीयू एलोकेशन, तो जो मैंने आपसे बताया था जो भी आपका फिजिकल कोर है उसका हाफ लेना है। मेमोरी एलोकेशन में आपको इनहेंस 4 GB, जो मैंने आपको समझाया था। फ्रेम रेट यहाँ पे आपको मैक्सिमम ही रखना है 60 पे। अगर बहुत ही ज़्यादा लो एंड पीसी तो आप इसको थोड़ा सा रिड्यूस कर लो ताकि फ्रेम ड्रॉप वगैरह आपको देखने को ना मिले। क्लियर। अब उसके बाद आते हैं डिस्प्ले में, तो डिस्प्ले में देखिए यहाँ पे 16:900 ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लिया, लेकिन अगर आपका 4K बहुत हाई एंड रेजोल्यूशन वाला पीसी है तो उसे आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। अब ये सेटिंग को आपको दिमाग में भी रखना है, क्योंकि अगर मान लीजिए जो चेंजेस मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ इनकेस ये प्रॉपरली काम नहीं करता, तो इसको आप यहाँ पे कम ज़्यादा करके भी चेक कर सकते हैं कि कौन सी सेटिंग आपके लिए यहाँ पे प्रॉपरली काम कर रही है। ठीक है, उसके बाद आपका पिक्सेल डेंसिटी आता है, 240 DPI आपका बेस्ट है, यहाँ पे रहने दीजिए आप इसको। और इंटरफेस स्केलिंग इसको भी 100 पे रहने दीजिए, हमें ज़्यादा ओवर स्केल नहीं करना है। और फिर आपको यहाँ पे क्लिक करना है ग्राफिक ऑप्शन पे। अब ग्राफिक इंजन मोड में आपको इसको सेट कर देना है परफॉर्मेंस में, और ग्राफिक रेंडरर आपको सेलेक्टेड रहना है ओपन जीएल पे। इंटरफेस रेंडरर ऑटो पे ही रहेगा, तो बस इतनी सेटिंग करने के बाद आप सेव चेंजेस पे यहाँ पे क्लिक कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पे आप स्टार्ट करके इसको स्टार्ट कर सकते हैं, और इस सेटिंग के साथ अब आप ब्लू स्टैक ऐप लेयर को यहाँ पे इंजॉय कर पाएंगे। क्लियर। तो ऑलमोस्ट हमारी गाइस यहाँ पे सेटिंग पूरी हो चुकी है, ऑप्टिमाइजेशन पूरा हो गया है, ताकि आपको अब यहाँ पे लैग देखने को, स्टटर या किसी भी तरह का बैड परफॉर्मेंस देखने को ना मिले। अब ये सारी सेटिंग को करने के बाद एक और चीज़ आपको यहाँ पे दिमाग में रखनी है कि जब भी आप अपने ब्लू स्टैक को रन कर रहे हैं तो आप एक बार ट्रैक करना कि जो आपका CPU, RAM और डिस्क यूसेज है वो देख लीजिए कि कितना वहाँ पे आपका जा रहा है। अगर वो बहुत ज़्यादा 90 के क्रॉस जा रहा है तो यहाँ पे आपको लैगिंग और बहुत सारी प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। उसके लिए अपने विंडोज़ आइकन पे राइट क्लिक करिए, टास्क मैनेजर में जाइए, और यहाँ पे देखिए आपको CPU, मेमोरी, डिस्क यूसेज देखने को मिल जाएगा। तो देखिए जो भी एप्लीकेशन आपको यहाँ पे लग रहा है कि सबसे ज़्यादा आपका CPU और मेमोरी यूसेज ले रहा है, तो उसको यहाँ पे आप ट्राई करो क्लोज करने का, अगर आपको ब्लू स्टैक के साथ वो एप्लीकेशन नहीं चाहिए। लाइक गूगल क्रोम है, तो अगर आप ब्लू स्टैक पे कुछ गेम इंजॉय कर रहे हो, कोई एप्लीकेशन इंजॉय कर रहे हो, तो आई डोंट थिंक गूगल क्रोम का उस टाइम आपको कोई ज़्यादा नीड है। तो देखिए कितना यहाँ पे हमारा मेमोरी यूसेज कंज्यूम कर रहा है, तो उसको आप यहाँ पे क्लोज कर लीजिए। राइट। अब इसी तरह से जो भी अदर एप्लीकेशन आपको यहाँ पे देखने को मिल रही हैं जो कि बहुत ज़्यादा CPU और मेमोरी यूसेज आपका कंज्यूम कर रही हैं, ट्राई करिए कि ब्लू स्टैक को यूज़ करते वक्त या किसी भी गेमिंग को करते वक्त आप उन सारी अदर एप्लीकेशन को यहाँ पे क्लोज कर लीजिए। बस इतनी चीज़ें दिमाग में रखने के बाद अब फाइनली एक बार अपने सिस्टम को यहाँ पे आप रीस्टार्ट करिए, और रीस्टार्ट करने के बाद नेक्स्ट टाइम जब आप ब्लू स्टैक को इंजॉय करेंगे तो आपको किसी भी तरह का लैग और बहुत ही अच्छा यहाँ पे ग्राफिक के साथ परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा। तो होपफुली गाइज ये कंप्लीट लिस्ट ऑफ सॉल्यूशंस और जो मैंने यहाँ पे टिप्स आपसे शेयर किए हैं ये आपके लिए भी काफ़ी इफेक्टिव होंगे। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करिएगा, और अगर कोई डाउट है, कोई अभी भी सवाल है दिमाग में, तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। और हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।